हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 8 सितंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें जो देखने मिला एक पॉजिटिव मूवमेंट। यहाँ पे आप देख सकते 3.97% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे एग्जैक्ट हुए 945.90 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें जरूर वॉल्यूम जो देखने मिला। कैंडल यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज की बनी है। नीचे के साइड में छोटी सी, ऊपर के साइड में थोड़ी सी बड़ी हमें विक जो देखने मिल रही है। बात है मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई 65-66 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर एक स्लाइट पॉजिटिव साइड का, मतलब अपसाइड मोमेंट हमें जरूर देखने मिले। लेकिन हमें कहाँ से रिवर्सल जो मोमेंट देखने मिला वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपसाइड मोमेंट जो 966 तक जो इजिली देखने मिलने वाली है। यहाँ पे 966 से जो है थोड़ा सा ऊपर जाते हुए फिर हमें स्टॉक जो रिवर्सल आते हुए देखने मिलेगा। मतलब 966 के आसपास जो है 970 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो 970 तक हमें स्टॉक आते हुए देखने मिला। फिर वहां से हमें रिवर्सल जो जरूर देखने मिला है। रिवर्सल में यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक गिरेगा 950 के आसपास। अगर उसको स्टॉक क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक फिर थोड़ा सा और जो नीचे आ सकता है जो है यहाँ पे 923 के आसपास। तो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चले। बाकी आने वाले दिनों कुछ इस तरह का हमारा ओपिनियन जो है यहाँ पे बन रहा है, इस तरह का मूवमेंट हमें स्टॉक में जो जरूर देखने मिलने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो तो हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन मैं आपको बता दूं पहले से कि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो जितना हो सके आप इंट्राडे वाइज हो या फिर पोजीशन वाइज हो अपसाइड के लिए, मतलब बाइंग साइड के लिए जो ट्रेड ले, क्योंकि वहीं पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा और वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है वो तो हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसे जो है यहाँ पे मार्क्ड है। फिर भी हम थोड़ा सा जो एक बार पुराना डेटा को हम जरूर देखेंगे ताकि हम कोई भी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चाहे हमारा सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस हो कुछ भी हम मिस ना करें, तो एक बार हम जरूर वेरीफाई कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियोस नहीं देखा तो मैं जरूर यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो जरूर देख ले। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से हमें हेल्प करती है हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में, पूरी चीज जो हमने आपको बताई है जरूर जब उसको देख ले ताकि यहाँ पे आपको जो है किस तरह से बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न को देखते हुए अपना जो है ट्रेड लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट अपसाइड में हमारी मार्किंग हो चुकी है, नीचे के समय थोड़ा सा एक नया डेटा देखने का उसको खाली मैं मार्क करके रख देता हूँ और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे सीधा इसके क्लोजिंग की। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अब हमारी दोनों साइड में मार्किंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जरूर जो है आप यहाँ पे हमारे इस वीडियो को पॉज करके जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस साइड में जो आपको ट्रेड लेना चाहिए उसके लिए। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे सीधा इसके क्लोजिंग, तो जूम करके पहले दोनों साइड का मैं डेटा जो क्लियरली देखने मिले कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो क्लोजिंग आप देख सकते हैं 945.90 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 941.45 का।
डायरेक्ट रेशो आता है 946.80 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशो का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता है 935.60 का, उसके बाद क्या था 928.80 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 955.60 का, उसके बाद क्या था 963.05 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे कल के लिए जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का बन रहा है। यहाँ पे चांसेस है कि एक गैप अप ओपनिंग हमें जरूर देखने में, लेकिन फिर वहां से हमें रिवर्सल देखने मिलेगी और यहाँ पे नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में जो है चांसेस हाई है कि हमें क्लोजिंग जो है देखने मिले। बाकी अगर सेलिंग थोड़ी सी बढ़ी तो और भी जो स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल 935 से लेकर 941.45 के रेंज में हमें मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जो नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।